अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 223 पेपर ए चैप्टर नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीडियन फॉर। अच्छा, अब ये दिया गया क्वेश्चन जो है ना, इसका हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास पहला काम तो ये होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको, अगर तो वो आपका अनग्रुप डाटा है, देखिए अनग्रुप डाटा वो होता है जो टेबल की शक्ल में नहीं होता। ये एक ही लाइन में आ रहा है, इसको कोई टेबल नहीं बनता, यानी ना इसमें एक्स है ना एफ है, ये खुद ही एक्स की वैल्यूज है, इसमें एफ नहीं है, फ्रीक्वेंसीज नहीं बनाई गई अलग सेल में, तो ये इन अरेंज, यानी कि ये आपका अनग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा नहीं। ऐसे केस में पहले हमें क्वेश्चन को अरेंज करना है। क्वेश्चन अरेंज करने के लिए पहले देखें यहां पर सबसे छोटा कौन सा है, 84.5 है, पहले आप लिखें 84.5 असेंडिंग में लिखेंगे, उसके बाद आता है 88.03, उसके बाद नंबर देखें 94 है, 94.59, और ये देखें जी आगे 5 आता है, तो पहले हमारा आ जाएगा 94.50, फिर हमारे पास आ जाएगा 94.90 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 95.05। टोटल कितने नंबर्स हैं, ये ओड है, इवन नहीं है, ओड है। इसका इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने दोनों तरफ से जोड़े सिलेक्ट करते जाने हैं और दरमियान में जो वैल्यू बनेगी ना वो आपकी मोड की होगी, उसकी सॉरी मीडियन की। तो इसका मीडियन जो है ना वो 94.50 आएगा। ओके, हो गया। अभी दूसरा तरीका भी देख लें, ये तो आंसर हो गया, लेकिन अगर इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखें तो मीडियन का फॉर्मूला ओड केस के अंदर आपने नंबर्स देखने हैं कितने हैं, आपने एन प्लस वन डिवाइड बाय टू करना होता है और इतनी टर्म जो होगी ना वो आपका नंबर होगी। अब टोटल एन कितने हैं इसके, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, एन इसमें 5 है, तो आप यहां पे कहेंगे एन मतलब 5 लिखना है ना इसकी जगह पे, तो आप यहां पे लिखेंगे 5 + 1 / 2, इतने भी टर्म 5 + कितने हो गए 6 / 2 टर्म, तो कितने होते हैं 2 3 6, जो तीसरा नंबर होगा, तीसरी टर्म होगी वो हमारी मीडियन की वैल्यू होगी। तो तीसरी टर्म कौन सी है, ये वाली, तो आप इस तीसरी टर्म की बेस पर कह देंगे कि 94.50 ये मीडियन की वैल्यू है, ये हमारा आंसर आ गया। उतनी टर्म तो लिखी हुई है ना, उतनी नंबर वाली टर्म है, तो वो तीसरी टर्म क्या है जी इसमें, 94.5। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।